हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग घर में होंगे, सेफ होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आज संडे है, जैसे कि आप लोग जानते हो संडे को हम लोग मैथ पढ़ते हैं और मैथ में आज का क्लास होगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस वो नहीं जानता हो, बहुत कमज़ोर हो, ऐसे स्टूडेंटों के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। लेकिन वन लाइन में हम लोग आंसर निकालेंगे, बहुत सारा शॉर्ट में, आपको बहुत बड़ा सलूशन निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग इसको निकालेंगे। तो आइए, मेरा वादा है कि आज आप लोग जरूर सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। लिखा हुआ, यदि किसी वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए जानते हैं बहुत कम टाइम में कि कितना परसेंट का लाभ हो रहा है। तो 12.5% का 12.5% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 12.5% को क्या कर लेते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए नीचे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे पहले, और ये पॉइंट जो हटाए यहां दशमलव, इसके बदले में एक जीरो और, एक जीरो क्या करेंगे और देंगे। आइए काट लेते हैं इसको, तो 1/8 कितना हो गया, 8। तो नीचे हो गया आपका क्या, क्रय मूल्य, नीचे क्या हो गया क्रय मूल्य, और ऊपर हो गया आपका लाभ, ऊपर क्या हो गया लाभ, ये क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया। कहा जाता है क्या कि वस्तु को 630 रुपया में बेचा जाता है, बेचा जाता है 630 रुपया में, तो ये प्रॉफिट है, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ लिया और इतना में खरीदा, इसका मतलब बेचता कितना में है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर अब पता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस में लाभ, प्लस में लाभ, तो 8 + 1 बराबर हो गया 9। यही 9 रुपया में बेचता है, यानी 9 रुपया नहीं, 9 यूनिट में अगर बेचता है तो बेचता कितना में है, 630 रुपया, यानी 9 यूनिट बराबर 630 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, इसको काटिए, 9 × 7 = 63 हो गया 70। तो अब कहता कि क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य यहां क्या है, 8 यूनिट, 8 से इसको गुना करिए तो कितना हो गया, 7 × 8 = 56, इतना रुपया आंसर। बहुत शॉर्टकट पे, ये तो आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिखे ये। आइए अगला सवाल में देखते हैं, अगला सवाल में बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। आइए अगला सवाल, दूसरा लिखा हुआ है कि 1470 रुपया में बेचने पर 16/2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेचता है कितना में, 1470 रुपया में, और लाभ होता है 16/2/3%। तो 16/2/3% हम क्या लिख सकते हैं इसको, 16 × 48 = 2 50/3, इतना परसेंट। परसेंट निकालने के लिए नीचे क्या लिखेंगे, 100 × 3 × 100 काटो आप, तो कितना हो गया, 1/6। ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, ये दोनों जोड़ दिए तो कितना हो गया, 7 यूनिट बराबर है 1470। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, 7 × 14 और 7 × 1 = 7, इसके बाद 0। अब कहता है क्या कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य इसका कौन है, ये है क्रय मूल्य, यही है 6 यूनिट, तो 6 × 2 = 10, तो कितना हो गया, 0 × 6 = 6 × 2 = 12, ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, बहुत ही आसान तरीके से, इतना करने की आपको जरूरत भी नहीं है, हम तो आपको समझाने के लिए इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना सारा करने की आपको जरूरत भी नहीं है मेरे अनुमान से। आइए इसमें देखते हैं, लिखा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर 16/2/3% लाभ पर बेचता है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब कहता है इतना परसेंट विक्रय मूल्य पर इतना परसेंट बेचता है, तो फिर वही बात है, 3% हो गया, तो ये कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं ना 50/3 और 100, यानी हम सीधा सीधी इसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं, ये काटे। तो अब क्या कह रहा है, कितना परसेंट लाभ पर बेचता, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, ये हो गया नीचे वाला आपका, तो ये हो गया क्या, क्रय मूल्य,
सॉरी, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया और ये हो गया आपका लाभ। ये क्या हो गया, लाभ, ऊपर वाला लाभ, नीचे विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, तो क्रय मूल्य के लिए क्या करते हैं, इसमें ये घटा देते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर फिर यहां लिख देते हैं आपको, क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, मूल बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस में लाभ। तो ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो घटा दीजिए आप, छह हो गया पांच, क्रय मूल्य हो गया ये, लाभ हो गया 1%। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 काट दो, हो गया 20%। आइए फिर से समझाते हैं हम क्या क्या किए, कुछ नहीं किए, 16/2/3% को हम लोग लिख सकते हैं 50/3 गुना में 100, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब क्या है, नीचे आ गया, क्या कहता है, विक्रय मूल्य, तो नीचे हो गया विक्रय मूल्य, ऊपर हो गया लाभ, नीचे हो गया बेचा गया सेलिंग प्राइस, ऊपर हो गया प्रॉफिट। तो क्रय मूल्य तो खरीदा कितना में, अगर बेचा 6 रुपया में और लाभ हुआ 1 रुपया, तो खरीदा कितना, 5 रुपया में, यही 5 रुपया लिखे यहां, 5 रुपया। अब ये कहता है क्या कि लाभ कितना हुआ, खरीदा 5 रुपया में, लाभ हुआ 1 रुपया, खरीदा 5 रुपया में और लाभ हुआ 1 रुपया, तो लाभ परसेंटेज कितना होगा, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते थे, लेकिन 1/5 गुना में 100 काट करके 20% निकाल दिए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं और उसको आइए तो देखते हैं सवाल। लिखा श्याम अपनी साइकिल विक्रय मूल्य पर 8/1/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, 8/1/3 पर लाभ पर बेचता है, तो 8/1/3 तो क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो 8 या 24 1 25/3, नीचे क्या लिखे, 100 काटे इसको, आ गया कितना 4, तो इसको लिख सकते हैं 1/3, ये आ गया। नीचे आ गया क्या, नीचे आ गया विक्रय मूल्य, फिर से ऊपर आ गया लाभ, क्या आ गया, लाभ। तो क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हुआ, इसमें एक घटा देंगे, ये लाभ है, इतना 12 यूनिट में बेचा और एक यूनिट फायदा हुआ, तो खरीदा कितना में, खरीदा गया यूनिट कितना हो गया 11, खरीदा गया यूनिट कितना है 11, ये खरीदा गया। अब कहता वास्तविक लाभ परसेंट क्या है, 11 यूनिट में खरीदे, 1 यूनिट लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज लाभ, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो आपको पता है लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, फिर से हम लिख देते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, यही होता ना, तो लाभ 1 यूनिट, क्रय यूनिट कितना है 11, क्योंकि 12 में बेचा था, 1 लाभ हुआ, तो खरीदा कितना में 11 में, तो 1/11 गुना में 100, परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज निकल जाएगा 11/99/1/11%, ये वास्तविक, ये हो गया आपका लाभ, ये हो गया आपका क्या, लाभ, ये हो गया आपका लाभ, समझ में आ गया होगा शायद, 8 या 24 1 25/3 इस तरह से निकाले, ये हो गया 11/1/12 है विक्रय मूल्य और 1 हो रहा लाभ, तो खरीदा कितना में 11 में, तो लाभ परसेंटेज का रहा निकालने के लिए, तो क्या होता है, लाभ परसेंट लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ 1 खरीदा 11 में गुना 100 निकल गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वहां लाभ था या हानि, वास्तविक हानि प्रतिशत निकाले, 25%, अब देखिए इसी से 25%, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से, तो ये आ गया 1/4, 25% 1/4, ये आ गया इसका विक्रय मूल्य, ऊपर आ गया लाभ, सॉरी हानि, क्या है हानि, तो 4 रुपया में बेचा 1 रुपया हानि हुआ, तो खरीदा कितना में, 4 रुपया में बेचा सपोज कर लो और 1 रुपया हानि हुआ, तो खरीदा कितना में, तो क्या होगा, हानि इसमें जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, खरीदा कितना में 5 में, यानी 4 रुपया में बेचा
और एक रुपया हानि हो गया, इसका मतलब खरीदा कितना में था, पांच में, तो यही पांच है और हानि कितना हो रहा है एक, ये हो गया खरीदा गया। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है ये भी आप जान लो, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे में कराई मूल गुना में 100 गुना में 100। तो एक हानि हो रहा है, एक हानि कितना है एक, कराई मूल क्या है पांच गुना में 100 बराबर कितना हो गया 20%, हानि हो गया क्या 20%। क्या किए, कुछ नहीं किए, 25% था इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए 1/4, 4 रुपया में अगर बेचता है 4 रुपया में बेचता है 1 रुपया हानि हुआ, तो खरीदा इसका मतलब है 5 रुपया में 5 रुपया, तो हानि कितना है 1, वही परसेंटेज का आता निकालने के लिए, तो हानि बटे कराई मूल गुना 100, हानि 1 कराई मूल 5 और गुना 100 निकला कितना 20%। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल बहुत ही इजी तरीके से लिखा कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि पर 16 वस्तु का क्रय मूल और ये है 14 वस्तु का विक्रय मूल, तो ऐसे लिख सकते हैं 16 वस्तु का क्रय मूल बराबर 14 वस्तु का विक्रय मूल, यही है ना विक्रय मूल, 16 गुना 14 वस्तु का क्रय मूल, 14 गुना विक्रय मूल। तो एक काम करें, इसको इधर ले आते हैं तो हो जाएगा क्या, नीचे यहां बच जाएगा क्रय मूल, नीचे ये आ गया तो हो जाएगा क्या आपका विक्रय मूल, यहां ऊपर में ये इधर था गुना में इधर आएगा तो भाग काट लीजिए आपको 7/8, यानी क्रय मूल है कितना 7 रुपया, तो विक्रय मूल है 8 रुपया, क्रय मूल 7 रुपया विक्रय मूल 8 रुपया, तो लाभ कितना हुआ 1 रुपया, क्रय मूल 7 रुपया विक्रय मूल 8 रुपया, तो लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर 1 रुपया। कहता है कि लाभ या हानि हुआ, तो क्या हुआ लाभ कितना है 1 और क्रय मूल क्या है, तो लाभ परसेंटेज निकालिए, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल गुना में 100, लाभ कितना 1 क्रय मूल कितना 7, तो इसको निकाले तो कितना निकल जाएगा 2/7%, ये आ गया आपका क्या आंसर, ये आ गया आपका आंसर बहुत ही शॉर्ट तरीके। कहता है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल 14 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, तो लाभ या हानि बताएं, 16 गुना क्रय मूल बराबर में, क्योंकि कहता बराबर है 14 गुना विक्रय मूल, दोनों को बराबर कर दिए, अब ये संख्या इधर गुना में था इधर ले आए नीचे भागा, ये इधर गुना में था इधर ले आए भाग में, तो इधर से इधर ले आए इसको, इधर गुना में इधर भाग में, इधर ये गुना में इधर भाग में, बस काटे इस तरह से 8 रुपया में बेचा, खरीदा 7 रुपया में 1 रुपया लाभ हुआ, लाभ परसेंटेज निकाल दिए। आइए फिर और आगे बढ़ाते हैं इन सवालों को, आइए तो फिर से सवाल को आगे बढ़ाते हैं। लिखा हुआ कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज निकाले, जो पीछे हम लोग 6 नंबर में सवाल बनाए थे वही नंबर सेम 7 नंबर में है, तो क्या है, तो यही लिखेंगे कितना 2750 वस्तु का क्रय मूल कितना वस्तु के विक्रय मूल के बराबर है 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है, तो 2500 गुना में एस एल लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, तो अब दोनों को बराबर कर दिए, तो ये इधर क्या है यहां गुना में इधर जाएगा भाग में, और इधर ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो क्या लिखेंगे पहले लिखें क्राइम मूल नीचे यहां से ये आ गया, तो ये आ गया आपका क्या विक्रय मूल, अब ये है 2500 बटे नीचे आ गया 2750, 00 काटो इसको इसको काट दो तो कितना हो गया 10/11, यानी 11 रुपया में बेच रहा है तो खरीदा था 10 रुपया में, लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है 1 रुपया, 10 रुपया क्रय मूल कितना है 10, विक्रय मूल कितना है 11, यानी लाभ कितना हो गया 1 रुपया, ये क्या है आपका लाभ, तो लाभ है लाभ परसेंटेज निकाले, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल, क्रय मूल कितना है 10, काट लो
तो हो गया 10%। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आंसर। बहुत ही शॉर्टकट तरीका, बहुत ही शॉर्टकट तरीका, जितना आप शॉर्ट निकाल सकते हो उतने ही बेहतर तरीके से निकल सकता है। क्या किए, कुछ नहीं किए, 2750 गुना क्राय मूल, क्योंकि कह रहा है कि 2750 वस्तुओं का क्राय मूल, तो दोनों को गुना कर दिए, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल, 2500 गुना विक्रय मूल, और ये इधर से इधर लाकर के कैलकुलेशन कर दिया, और बहुत ही इजी तरीका से काटे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। लिखा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर आदमी को, एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि परसेंटेज ज्ञात करो। 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया है, तो 9 वस्तु का कितना हो गया 9 रुपया, 9 वस्तु का कितना हो गया 9 रुपया, 72 वस्तु का कितना हो गया 72 रुपया। 72 रुपया में बेचा, ये हो गया क्या विक्रय मूल्य, और ये है हानि। ये मान लिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 9 रुपया, बेचा कितना वस्तु 72 वस्तु, तो 72 वस्तु का विक्रय मूल्य 72 रुपया। 9 रुपया हानि हुआ, 72 रुपया में बेचा, तो खरीदा कितना में था, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो गया क्रय मूल्य, समझो आप, 72 रुपया में बेचा और 9 रुपया हानि हो गया, तो खरीदा कितना में था, तो 72 हानि हुआ, तो इसको जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जोड़ना होगा, बेचा 72 रुपया में, हानि हुआ 9 रुपया, तो कितना में खरीदा 81 रुपया में, हानि कितना का हुआ 9, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो हानि बटे क्राय मूल्य, हानि बटे क्राय मूल्य गुना 100, तो हानि कितना हुआ 9, क्राय मूल्य कितना 81 रुपया गुना में 100, 9 से काटो 9 × 9 81 कितना आ गया, तो अगर हम देखें तो 11.99/9% ये आ गया आपका आंसर। देखिए क्या किए, मान लिए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया था, तो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो हानि हो गया 9 रुपया। 72 वस्तु बेचा, तो 72 वस्तु बेचा तो इसका मतलब 72 रुपया हुआ, तो इन दोनों को जोड़ दिए 72 रुपया और 9 रुपया, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये बेचा गया ये हानि है, बेचा गया ये हानि है, 9 रुपया का हानि हुआ, तो ये क्रय मूल्य हो गया, और इस तरह से निकाल दिए। अब सेम सवाल नीचे आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। लिखा कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 9 वस्तुओं के, तो वही सिस्टम, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य क्योंकि बेचने की बात हो रहा है, मान लिए कि 1 रुपया है, तो लाभ कितना हो गया 9 वस्तु के बराबर लाभ होता है, तो 9 रुपया लाभ हुआ। बेचा कितना वस्तु 72 वस्तु, कितना 72 वस्तु, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 72 रुपया, बेचा 72 रुपया में, बेचा कितना में 72 रुपया, 72 वस्तु बेचा तो 72 रुपया में बेचा, 9 रुपया के बराबर लाभ हुआ, तो खरीदा कितना में 9 रुपया लाभ हुआ, 72 रुपया में बेचा, बेचा 72 रुपया में लाभ हुआ 9 रुपया, तो खरीदा कितना में था, तो क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर क्या करेंगे इसमें, इसको घटाएंगे, 72 रुपया में बेचा 9 रुपया लाभ हुआ, तो खरीदा कितना में था 63 रुपया, खरीदा कितना होगा 63 रुपया में, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100, तो कितना हो गया 9 × 63 आ गया, 7 × 2 = 7, 7 × 1 = 28, 2 × 7 ये हो गया आपका आंसर। विक्रय मूल्य कितना है 72 रुपया और लाभ हुआ कितना 9 रुपया, इसका मतलब 9 रुपया जो लाभ कमा रहा है, खरीदा था 63 रुपया में तब 72 रुपया का बेच करके 9 रुपया लाभ कमा रहा है, तो लाभ बराबर क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना में 100 निकाल दिए, ये लाभ परसेंटेज हो गया। आइए और सारे सवाल को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही इस तरह से आसान तरीका है बनाने का, जो आपको बिल्कुल उलझा हुआ नहीं है, सीधा सीधा सवाल पर हम लोग जाते हैं, जो आप एग्जाम के टाइम बनाते समय लंबा खींचते हो वो बहुत ही शॉर्ट, ये तो हम आप लोगों को दिखाने के लिए कर
किए हैं, आप तो सीधा इसको अंदर ही अंदर बना सकते हो बिना पेन पेपर उठाए। तो आइए आगे बढ़ाते हैं सवाल को, आइए तो आगे देखते हैं। लिखा एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। पहले हो रहा है हानि 9% का, कहता है 750 रुपया और ज्यादा अगर लेता तो 7% का लाभ हो जाता है। तो आरंभ में क्रय मूल्य क्या था, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपया था, कितना है 100 रुपया, पहले हानि पर बेच रहा है कितना 9%, 9% हानि मतलब बेच रहा है कितना में 91 रुपया में, और कितना में अगर 750 रुपया ज्यादा लेता तो 7% का क्या होता है इसको लाभ होता है, यानी 107 रुपया होता। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप देख लो, तो ये डिफरेंस ही 750 रुपया है, ये डिफरेंस। तो कितना का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच, तो आप कहोगे आ गया 16 का, कितना का डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच 16 का, यही 16 तो 750 है। आप समझो 9 माने कि 100 रुपया इसका प्रारंभिक मूल्य था, 9% हानि पर बेच रहा था तो बेचा कितना में 91 रुपया में, लेकिन अगर वो कहता है 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो 7% का लाभ होता, यानी 107 रुपया। इन दोनों के बीच में कितना रुपया ज्यादा लेता है 750 रुपया, यानी 16 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 750/16, आरंभिक मूल्य कितना है 100 रुपया, इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे हम 100, तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 46.67.5 रुपया, ये आ जाएगा आपका आंसर, लगभग ये आ जाएगा। पहले 9% हानि पे था, इसके बाद क्या हुआ 7% लाभ हो गया, 7% लाभ हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ दिए 9-7, ऐसे भी आप जोड़ देते कि ये हानि है ये लाभ है, इन दोनों का डिफरेंस ये है, तो इस तरह से निकाल लिए, और ये हो गया 16, यही 16 यूनिट ही 750 है, क्योंकि कहता है 750 रुपया ज्यादा में, 750 रुपया जब बढ़ाते हैं तो 16 यूनिट बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है 16 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 750/16 और गुना में 100 इसलिए लगाएं क्योंकि प्रारंभिक में 100 रुपया माने थे इसलिए। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल लिखा हुआ एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वो इसको 4248 रुपया ज्यादा में बेचता है तो 13% का लाभ हो जाता है। तो पहले कितना है 100 रुपया मान लेते हैं, बेचता कितना में है 7% लाभ पर, यानी 107 रुपया में बेच रहा है, 107 रुपया में, अगर 4248 रुपया में बेचता है तो कितना 13% लाभ होता, कितना परसेंट 13, यानी 113, पहले इसमें बेच रहा था और इनके इनके बीच ही कितना है 4248 रुपया, यही है ना 4248 रुपया, और इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 6 यूनिट बराबर हो गया 4248, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 708, और 100% कितना हो गया क्योंकि पहले का आरंभिक मूल्य कितना है 100 है ना, तो 708/00 ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत शॉर्ट बड़ा सा सवाल को बहुत शॉर्ट तरीके में हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का ये क्लास प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप लोगों को ये सवाल समझ में आता हो या नहीं आता हो तो भी, अगर आता हो तो भी कमेंट करें, अगर नहीं आता है क्या प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप कमेंट करें। तो थैंक यू, आज का क्लास यही समाप्त करते हैं।